आज हनुमानगढ़ में IGNP रेगुलेशन को लेकर चीफ इंजीनियर में मीटिंग रखी गई, जिसमें वर्चुअल के माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला। किसानों की मांग थी कि 14 दिसंबर से जो रेगुलेशन है वो 3 में से 1 ग्रुप चलने का प्रस्तावित था, जिसके लिए पूर्व में भी मैंने कमिश्नर के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था, पूर्ववर्ती सरकार को, कि फसल की बुआई को देखते हुए, किसानों की मांग को देखते हुए 14 दिसंबर से जो रेगुलेशन है वो 3 में से 1 की बजाय 4 में से 2 ग्रुप किया जाए। किसानों की मांग है कि हमारी पूरी फसल को पकाने तक पानी 4 में से 2 ग्रुप दिया जाए, जिसको लेकर हमने आज मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ से वार्ता की और VC के माध्यम से जुड़कर हमने कहा कि किसानों की मांग को देखते हुए आने वाले समय में फसल को पूरी पकाई करने तक 4 में से 2 ग्रुप चलाया जाए, जिसको लेकर हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर ने आज मीटिंग रखी। मीटिंग में ये प्रस्ताव माना गया कि 14 दिसंबर से आने वाले समय में किसानों को 4 में से 2 ग्रुप पानी चलाकर आगे जनवरी में पुनः इसका समीक्षा करते हुए मीटिंग रखकर किसानों की फसलों को पकाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं इसके लिए वहाँ के चीफ इंजीनियर को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने ये प्रस्ताव भेजा है उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर किसानों की फसल को पूरा पकाया जाए और 4 में से 2 ग्रुप चलाया जाए।